शाह महमूद कुरैशी का पलटवार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर, ये बात कही है शाह महमूद कुरैशी ने। साथ ही आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव का विरोध हमारा हक है, शाह महमूद कुरैशी की ओर से कहा गया है। इमरान खान की ओर से बोल रहे हैं शाह महमूद कुरैशी। देखिए, पाकिस्तान में संविधान को कई बार चोट पहुंचाई गई है। इस बीच शाह महमूद कुरैशी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से कौम को महफूज करने के लिए आइए अवाम के सामने चलते हैं, आइए अवाम की दहलीज पर दस्तक देते हैं और पाकिस्तान की अवाम फैसला करे कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल किन हाथों में देखना चाहते हैं। जनाबे वाला, उसका जो भी फैसला आया वो भी हम तस्लीम करते हैं। मैं अर्ज करता चलूं कि अदलिया के फैसले को हमने तस्लीम कर लिया, लेकिन जनाबे वाला अदलिया में गए क्यों? हमारे दोस्त क्यों गए? जॉइंट ऑपोजिशन क्यों गई? और सुओ मोटो नोटिस क्यों लिया गया? उसका बैकग्राउंड है, उसका एक पस मंजर है, और वो पस मंजर जरूरी है, तारीख के लिए जरूरी है कि उसका बिल्कुल अहाता किया जाए। जनाबे वाला, यहां जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे तो उन्होंने जो रूलिंग दी, जिन पर दोस्तों का एतराज था और अदलिया का फैसला है, उसमें उन्होंने कहा, ये इनकार नहीं किया, इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, एक नई सूरत हाल मेरे सामने आई है, और उस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि जहां एक बैरूनी साजिश की बात हो रही है तो इसका प्रोब होना जरूरी है, यह उन्होंने कहा। और जनाबे वाला, यह भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फोरम एक आला तरीन फोरम है, जिसमें हुकूमत के सीनियर तरीन वुज़रा और अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। उस फोरम में वो मरासला जिसका जिक्र हो रहा है कौम में, और उस पर भी बात करना चाहूंगा मैं, उसकी बाज गश्त है, तूल अर्ज उसकी बाशकस्त है। जनाबे वाला, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसी मरासले को, उस कम्युनिकेशन को, उस केबल को, उस साइफर को देखती है तो वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि मसला संगीन है, मसला हसास है, और दो ऑर्डर करती है। देयर आर टू डिसीजंस एंड आई लाइक टू पुट दोज डिसीजंस इन फ्रंट ऑफ द हाउस। वन, दे एक्नॉलेज देर वॉज पोलिटिकल इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान एंड ए डिमार्श मस्ट बी इश्यूड। दफ्तर खारजा को हुक्म दिया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि डिमार्श करो, इस्लामाबाद में भी करो, वॉशिंगटन में भी करो, और जनाबे वाला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले के मुताबिक दफ्तर खारजा डिमार्श करता है, इस्लामाबाद में भी करता है और वॉशिंगटन में भी करता है। दूसरा फैसला सादर करता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास के पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, फिलफौर उसको तलब किया जाए, उसको कन्वीन किया जाए और यह सारा मामला मुंतखब नुमाइंदों को, यह सॉवरन हाउस है, यह अवाम जो है, यह पाकिस्तान की अवाम की तर्जुमानी कर रहा है, तो उनके उस फोरम के सामने रखा जाए कि वो बात की बारीकी तक जाएं और प्रोब करें और हकायक जानने की कोशिश करें। आप इजलास बुलाते हैं, ऑपोजिशन को दावत दी जाती है, ऑपोजिशन का फर्ज था जनाब स्पीकर, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, ये वाइंड अप करें इसके बाद, दिस इज नॉट फेयर, ये वाइंड अप कर ले, मैं सब ये वाइंड अप कर लेना, ये वाइंड अप कर लेते हैं। दिस इज नॉट फेयर, व्हाई इज ही नर्वस? आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? घबरा रहे क्यों हैं? मेरा ख्याल में ना घबराए, सुन ले बात, ये वाइंड अप कर ले, इसके बाद आप कर ले। घबराहट किस चीज की है? उजरत किस चीज की है? परेशानी किस चीज की है? जी मैं इस तरह करता हूँ,
साढ़े बारह बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। साढ़े बारह बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विदेशी साजिश की जांच जरूरी है। और जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी यहां बोल रहे थे, विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से यहां पर हंगामा बढ़ता हुआ नजर आया। और फिलहाल 12 बजे तक संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां शाह महमूद कुरैशी, हमारे आंतरिक मामलों में दखल हुआ, अब पाकिस्तान की जनता ही तय करेगी, यानी आम चुनाव यहां कराने के मूड में लगातार इमरान सरकार दिख रही है। विदेशी साजिश की जांच एक बार फिर यहां उन्होंने दोहराई। तो देखिए बड़ी खबर इस बीच, एक और आपको बता दें, इमरान खान का जाना तय है, शहबाज शरीफ की ओर से कहा गया है, जो हुआ सो हुआ, अब तो सुधर जाओ इमरान, शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है। साथ ही आपको बता दें कि आज संसद में इमरान खान को आना था, लेकिन उनका इंतजार किया जा रहा है, वो अभी तक पहुंचे नहीं है। इस बीच देखिए बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे, संसद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ रहे हैं शहबाज शरीफ, और उनकी ओर से कहा गया है कि अब तो इमरान खान सुधर जाओ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो सुधर जाओ। साजिश की बात पर भी चर्चा की जा रही है संसद में इस वक्त। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इसलिए कि आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लियामान आइनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वजीर आजम को शिकस्त फाश देने जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए अब संसद की कार्यवाही लगातार चल रही है। शहबाज शरीफ पहले जिस तरह से इमरान खान पर हमला बोलते हुए नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इमरान खान का जाना तय है, जो हुआ सो हुआ, अब तो इमरान सुधर जाओ, ये भी यहां से चेतावनी देते हुए नजर आए। चिट्ठी की चर्चा हुई तो बात दूर तलक जाएगी। जी हां, शहबाज शरीफ जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं, आपको याद होगा कि लगातार एक चिट्ठी का जिक्र इमरान खान करते नजर आए थे, और बाद में उन्होंने वो चिट्ठी खोली नहीं। अब उसी चिट्ठी का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये चिट्ठी खुली तो बात दूर तलक जाएगी।